हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी हो रहा है। मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ एंटी एजिंग फेस पैक, जो कि होममेड है। तो आप बहुत सारे पैसे खर्च करके आपको ये पैक मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, एंड आपको ये आपके किचन में मिल जाएंगे। एंड आपकी स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स है, डलनेस है, डेड स्किन है, आपकी स्किन पे एजिंग आ रही है, झुरियाँ आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, सबका सोल्यूशन सिर्फ इस एक पैक के से आप कर सकते हो। तो क्या क्या अप्लाई करना है, क्या क्या मिलाना है, कैसे अप्लाई करना है, फुल डिटेल में बता रही हूँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो डे बाय डे आप लोगों से मिस ना हो। तो सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ रेड वाले बटन पे क्लिक करिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को दीजिएगा काफ़ी ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड, वो मेरी वीडियो को देख के उनको अप्लाई करके अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। तो प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट कीजिए। मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ पैक अप्लाई किया है एंड पानी से वॉश किया। काफ़ी अच्छा सा ग्लो मिल रहा है, और ये जो डार्क सर्कल है इसका भी बहुत जल्दी इलाज कर लूँगी, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज फेस पैक मैं बनाने वाली हूँ, उसमें आपको चाहिए 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच ज़्यादा हो जाएगा, 1-1.5 चम्मच तक आप ले सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गुलाब जल एंड शहद। ये डाबर का शहद लिया है, आप जो चाहो वो ले सकते हो। मैंने डाबर का ही गुलाब जल भी लिया है। शहद आपकी स्किन को टाइटनिंग देता है एंड आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है एंड ग्लोइंग बनाता है। एंड गुलाब जल से आपकी स्किन की जो डर्ट होती है वो रिमूव होती है। बेसन आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड आलू लेना है, आपके स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे उसको ये बहुत इजीली रिमूव करता है। तो आलू को मैं कद्दूकस करके यहाँ पे इसका जूस निकाल लूँगी। बिल्कुल बारीक वाले साइड की तरफ से ही आपको कद्दूकस करना है। मार्केट से जो हम लोग क्रीम लेते हैं तो बहुत महंगी होती है, ऊपर से ज़रूरी नहीं होता कि वो ऑल स्किन पे सूट करे, बट मैं जो बता रही हूँ ये आपके ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। और सबसे अच्छी बात की है, इससे आपके स्किन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और इसमें आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजिली आपको अपने किचन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद से आलू का रस इस तरीके से बेसन में मिक्स कर लेंगे। ओके, आलू का रस मिक्स करने के बाद से लेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, और गुलाब जल का 1 चम्मच तक आपको बेसन में ऐड करना है। इसके बाद लेंगे हम लोग शहद, शहद का भी 1/2 चम्मच तक आपको बेसन में ऐड करना है। और आपकी स्किन को और ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनाने के लिए आपको लेना है दूध से निकली हुई छाली, जो कि दूध की मलाई होती है, उसको भी 1 चम्मच तक लेना है। ओके, सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए, शहद, गुलाब जल, आलू का रस, बेसन और दूध की मलाई। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप दूध की मलाई को स्किप कर सकते हो। ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा, आपकी स्किन को टाइट नहीं देगा, एजिंग को कंट्रोल करेगा। ड्राई स्किन पर ये सारी चीज़ प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है, तो आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये मैं आप बता रही हूँ आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए और एजिंग को कंट्रोल करने के लिए, और जो आपकी स्किन पे डेड स्किन जमा होती रहती है उनको रिमूव करने के लिए। तो हमने इसको बनाया है, बट ये बहुत पतला लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हो, और अगर पतला लगाना है तो आप पतला भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर बेसन थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ताकि मैं थोड़ा सा इसको टाइटली ही ये रखूँगी और अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, ताकि ज़्यादा इधर उधर गिरे नहीं और मेरे स्किन पे अच्छे से ये अप्लाई हो जाए। तो मैंने इतना टाइट इसको बनाया है। अगर आपको ज़्यादा टाइट लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ऐड कर सकते हो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए। अब इसको आप ब्रश या फिंगर टिप्स की मदद से अपने फेस पे अप्लाई करोगे। तो ये पैक रेडी हो गया है, अब इसको हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करेंगे।
तो फ्रेंड्स इसको बना लिया है, मेरे लुक को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बाल खुले वगैरह रख के तो हम ये पैक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मैं अपने किचन में खड़ी हूँ और मैं पैक को थोड़ा थोड़ा लूँगी और अपर डायरेक्शन में इस तरीके से फेस पैक को अप्लाई करेंगे। कभी भी फेस पैक को ऊपर की तरफ से ही अप्लाई किया जाता है, नीचे की तरफ से अप्लाई नहीं करना होता है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं कि स्किन ऑटोमेटिकली डल एंड बेजान दिख रही है पूरी। फोरहेड पे भी अप्लाई करेंगे। इस पैक के मदद से आप अपने इसको हफ्ते में आपको 2 से 3 बार यूज करना है, फिर आप देखोगे इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा धीरे धीरे आपको 1 से 2 वीक में इसका रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा और आप अपने स्किन में टाइटनिंग एजिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके होंगे। टैनिंग को भी रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैक है ये। अब जब ये सूख जाए तो इसको हल्के हाथों से गीला करके पानी से और हल्के हल्के हाथों से रब करेंगे, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो मैंने अच्छे से लगा लिया है पूरा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपको कैसा फ़ायदा मिला वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा आपकी स्किन पे ग्लो ग्लो रहने के लिए आपको अपने डाइट में ध्यान सुधार लाना पड़ेगा, जैसे हेयर के लिए और फेस के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को लिक्विड चीज़ों को जूस पानी विटामिन सी से भरी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज की लीजिए, जिससे कि आपके स्किन पे अंदर से ग्लो आए। और इसमें एक चीज़ मैंने मिस की, विटामिन ई की कैप्सूल, वो अभी नहीं थी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जल्द से ज़्यादा ड्राई है एंड स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं तो आप विटामिन ई की कैप्सूल्स भी यूज कर लीजिएगा। नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि आलू हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसको सूखने के बाद से इसका जो रिजल्ट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसको 15 से 20 मिनट तक रखेंगे एंड पूरा सूखने के बाद से नॉर्मल पानी से धीरे धीरे वॉश करेंगे। तो फ्रेंड फेस पैक अच्छे से ड्राई हो चुका है, ये देखो हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और बिल्कुल फेस खिंचा खिंचा सा फील हो रहा है। तो इसको अभी हम लोग वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा पानी लेना है और फेस को गीला कर लेना है और हल्के हल्के हाथ से रब करना है। हाँ यार अभी अच्छे से दिखे आपको। स्क्रब करके छुड़ाने से क्या होगा कि ये स्क्रब का भी काम करेगा, आपकी रेड स्किन को निकाल देगा अच्छे से। तो अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं लगा तो नहीं है।
फेस को हल्के हल्के हाथों से टॉवल से पोंछ लेंगे और इसको ड्राई होने देंगे। काफ़ी अच्छा सा ग्लो दिख रहा है मेरे चेहरे पर। और ये आप डेली अप्लाई करोगे तो आपकी एजिंग को भी कंट्रोल करेगा। अभी देखिए आपके सामने है, बिल्कुल भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ वॉश किया है पानी से और काफ़ी अच्छा ग्लो दिख रहा है। तो आप इसको ट्राई कीजिए वीक में 1 से 2 बार और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कोई और टिप्स पे स्किन पे स्किन के ऊपर टिप्स चाहिए जो कि आपको स्किन के ग्लोइंग ग्लो से रिलेटेड कोई भी हो, पिंपल झाइयाँ कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेकर आऊँगी, मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर, हेयर केयर कुछ भी चाहिए। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ये वाला पैक जरूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो कैसा लगा पैक और कैसा लगा इसका रिजल्ट? बिल्कुल जूम, नो एडिटिंग, कुछ भी नहीं है, रियल फेस है। एंड पैक अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा है, पहले पैक अप्लाई करने से पहले ही सारा चीज़ डालने से थोड़ा दिख रहा था। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है मुझे, तो डार्क सर्कल पे भी बहुत जल्दी काम करने वाली हूँ और डार्क सर्कल को रिमूव करके आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पैक को अप्लाई जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।